भारत माता की। पीछे लिए चलता हूँ, 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे साथ खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ लात मार के नहीं, 100-100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में कोई मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री से साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहां कहां कहां काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, ये जो हालात हैं इस वक्त देश में, हमारे जवानों की शहादत हुई है, किसी को उंगली में चोट लगती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पूरी जान चले जाना किसी की। और ऐसे जवान की जो देश की रक्षा के लिए तैनात है, वो बेकसूर थे, वो किसी से लड़ नहीं रहे थे, वो अपने नौकरी पे वापस जा रहे थे, ऐसे पीठ में छुरा घोंपा गया है उन आतंकवादियों के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन आतंकवादियों को
उनके साथ देने वालों को इसका प्रभाव दिखना ही चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर बहुत जागरूक हैं। उन्होंने सेना को छूट दे दी है, पहली बार ऐसा हुआ है। और एक सेकंड के अंदर उन्होंने ये फैसला कर लिया बैठक में कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है वो इन्होंने एक सेकंड में विड्रॉ कर लिया। तो आज से पाकिस्तान के साथ जो छोटा मोटा नाता था वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से ही निकला हुआ हिस्सा है, हिंदुस्तान का नालायक बेटा है। उस नालायक बेटे को ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बेटे बाप से टक्कर मत ले, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। उसने टक्कर लेने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है हमारी सेना जो है इस बात को लेकर बहुत सक्षम है। और कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, बात बहुत दूर की नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि महीना दो महीना लगे, चंद दिनों में किसी भी रात को आप सुबह उठेंगे तो सारा मीडिया अचंभित हो जाएगा कि ये क्या हुआ। जहाँ 40 मारे हैं, 400, 4000, 4 लाख तक मरने की संभावना है पाकिस्तान लोगों की। और पाकिस्तान को एक बार ये सबक सिखाना ज़रूरी है कि आज के बाद हिंदुस्तान से टकराने की हिम्मत ही बंद कर। दो हजार 2013 में मैं जब सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मैं पहला व्यक्ति था इंडस्ट्री की तरफ से जिसने ये मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को टेम्परेरी बैन नहीं चाहिए, परमानेंट बैन चाहिए। और मीडिया ने उसे बहुत बड़ी कवरेज भी दी थी। लेकिन हमारे चंद लोग, क्या होता है कि विभीषण सब जगह होते हैं, तो उन विभीषणों ने जो है ये मुद्दे को नकारने की कोशिश की थी। लेकिन आज फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, आने वाले समय में पाकिस्तानी किसी भी कलाकार को, सिंगर को, टेक्नीशियन को, निर्माता निर्देशक को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं है। सरकार ने भी जो MFN का जो उनको स्टेटस दिया होता वो भी विड्रॉ कर लिया है। तो उनके आने की संभावना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और देश के अंदर रह के कोई भी देशद्रोही बात करेगा, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बात करेगा, देश के खिलाफ बात करेगा, सेना के खिलाफ बात करेगा, उसके अगेंस्ट भी वही एक्शन होगा जो आज फेडरेशन ने पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए लिया है। थैंक यू। किसके? हाँ, देखिए ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। तो मुझे लगता है कि इनको देखकर हमारे आम जनता जो है बहुत प्रोत्साहित होती है। और ये एक संदेश है सेना के लिए कि जैसे हम क्रिकेट के ग्राउंड में इनके छक्के उड़ाते हैं, आज बॉर्डर के ऊपर आपको इनके छक्के उड़ाने हैं और इनको इनकी सीमा से भी पीछे पहुंचाना है। कौन सिद्धू जी? ना, नाम बताइए। कौन सिद्धू जी? मैं नहीं जानता किसी सिद्धू को। किसको? कौन सिद्धू जी? ऐसे आदमी को निकाल नहीं देना चाहिए, उठा के फेंक देना चाहिए। वो पाकिस्तानी प्रेमी है, उसको पाकिस्तानी भेज देना चाहिए। अरे भाई, तू बार बार वीज़ा लेके क्यों जाता है? हमेशा के लिए चला जाना वहाँ पे। फिल्म इंडस्ट्री ने आज उसको बैन कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के गेट से, ये फिल्म सिटी के गेट पे ये कार्यक्रम हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के इस गेट से सिद्धू की एंट्री नो एंट्री हो गई है। देखिए, कांग्रेस क्या, कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, देश के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा।
फेडरेशन जो है वो मदर बॉडी है 24 क्राफ्ट्स की, जिसमें सारी एसोसिएशन आती है। ठीक है, ये जो हादसा हुआ है पुलवामा में, कश्मीर में, इस हादसे से सारे लोग दुख में हैं, सारे लोग शोक में, सारे लोग शॉक भी हैं। फेडरेशन के लाखों की तादाद में टेक्नीशियंस और वर्कर्स अंडर में आते हैं। हमने ये डिसाइड किया, जो चेयरमैन है तिवारी जी, अशोक दुबे, मंगेश्वर, कि इंडस्ट्री का रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोटेस्ट का, आज के सॉलिडरिटी का कारण तीन मुख्य कारण है। एक, हम इस सरकार को बताना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स जो लाखों की तादाद में हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। दूसरा, पाकिस्तान का कोई भी कलाकार, पाकिस्तान का कोई भी परफॉर्मर हमारे हिंदुस्तान की भूमि पे काम करने हम नहीं देंगे उनको। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स से, हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यूज़िक कंपनीज से, हम रिक्वेस्ट करेंगे उस सारे महकमों से कि पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। और मुझे इस बात का यकीन है, फेडरेशन में इस बात का यकीन है कि ये जो झटका हमें लगा है, ये जो अटैक हम पे हुआ है, ये अटैक प्रोड्यूसर्स पे भी है, ये अटैक सब पे है, ये पूरी इंडस्ट्री पे भी अटैक है, और वो बात हमारी मानेंगे, हमें ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी कलाकार या कोई भी पाकिस्तानी सिंगर या परफॉर्मर यहाँ पर काम करता है, हम पूरा फेडरेशन उस प्रोड्यूसर को बॉयकॉट करेगा, उस म्यूज़िक कंपनी को बॉयकॉट करेगा, और अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो उनका काम होगा नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरी बात, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी। हम सारे प्रोड्यूसर्स को, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस मसले का सलूशन ना निकले, तब तक हमारी देश में बनी हुई फिल्में का फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। और ये इस बात का भी मुझे यकीन है कि इस बात को भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मानेंगे, नहीं तो फेडरेशन इस बात को बहुत सीरियसली लेगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। नहीं, बाहर से काम, वो रिलीज जब तक प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा और रिलीज नहीं कर सकते ना, जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहेगा रिलीज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी नहीं, बट वो फिल्मों में यूज होगा ना, फिल्म रिलीज होगी, फिर वो गा के आप कहीं से भी भेजो, हमको उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस फिल्म के लिए यूज़ होगा, जिस एल्बम के लिए यूज होगा, कोई प्रोड्यूसर तो होगा ना उसका, कोई म्यूजिक कंपनी तो होगी ना उसकी, वो घर में बैठ के रिकॉर्ड करके भेज, हमको से क्या मतलब है। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, किसी भी प्रोड्यूसर्स के काम में, किसी भी फिल्म में वो गाना इस्तेमाल नहीं होगा। आप घर में बैठ के सुनिए, हमको इतराज नहीं है, लेकिन फिल्म भी नहीं है। इस फिलॉसफी में हम बिलीव नहीं करते। हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए वो जवान पहले, फिलॉसफी गई तेल लगाने के लिए, हमको फिलॉसफी में जाना ही नहीं है। हम उतने ही देश प्रेमी हैं जितने कि आप हो। देश सबसे पहले आता कलाकार, क्या उसे ठेका लेकर लगाया कलाकार ने, क्या वो देश से बड़ा है? देश से बड़ा तो कोई नहीं होता, देश से बड़ा कोई नहीं होता, देश सबसे आगे, और अगर देश पे अटैक हो रहा है तो आप पे अटैक हो रहा है, हम इसको करने नहीं देंगे। ओके, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के एक्टर को जो भी सपोर्ट करेगा उसे बॉयकॉट कर देंगे, रिसेंटली सिद्धू जी ने भी सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आपको? बात बताओ ना अच्छी, कि सिद्धू को बाहर जो निकाला है शो से, वो क्योंकि हमने फेडरेशन ने चैनल को लिखा, फेडरेशन ने प्रोड्यूसर को बोला कि इसको बाहर निकालिए, नहीं तो हम आपके यहाँ शूटिंग होने नहीं देंगे, इसलिए उसको बाहर निकाला गया है। तो हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत की आजमाई तब करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रेट सिंपल रेजोल्यूशन है, और जैसे हम दुखी हैं वैसे सब दुखी हैं, और मुझे इस बात का यकीन है पूरी इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है इस बात, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इतना बुरा अटैक हमने 26/11 को देखा था, हमने आज ही देखा था, और घर में घुस के भी मारा, सब दुखी है। देखो लोग जो अभी तक चिल्ला रहे हैं, ये अंदर का दुख है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये रोष है, ये गुस्सा है, ये दुख है, जो आप आज पूरे परिसभा में देख रहे हैं। आपने देखा हाफिज सईद के स्टैचू को कैसे मार रहे थे लोग, किस तरह से पीट रहे थे, ये जो वेंट हो रहा है गुस्सा, ये गुस्सा जो है पूरे दिन निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हाफिज सईद, हाफिज सईद, इंकलाब, 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 वंदे मातरम।
माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब 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 इनकलाब, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, हाफिज सईद हाफिज सईद, जनरल बाजवा जनरल बाबा जनरल बाबा जनरल बाबा जनरल बाबा, पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। देर में प्रोग्राम शुरू होगा और हमारे स्टार अमिताभ बच्चन और बैठ जाए। वो अपने देश के जवानों के साथ है, ऐसा सब तोड़ देंगे ये लोग। आप लोग रुक जाइए, तोड़ने का समय दिया जाएगा, जलाने का भी समय दिया जाएगा। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।